दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जी हाँ, आपकी जोड़ी क्या है, यानी आप और आपके कपल का नेम जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखें। तो नंबर वन पे आती है आर और एस की जोड़ी। जी हाँ, आर और एस की जोड़ी, इन दोनों के बीच पता है पार्टनरशिप बहुत ही बैलेंस्ड होता है। आर और एस, इनका नेचर ऐसा होता है कि ये एक दूसरे को बैलेंस करते हुए दिखाई देते हैं। इनके बीच में फाइटिंग कभी कभी ही दिखती है, क्योंकि प्यार में इतना ज़्यादा होता है कि गुस्सा बहुत कम होते हैं। हालांकि बात करें तो एस जो है वो आर ने वालों से थोड़ा ज़्यादा गुस्सा होते हैं। इनके बीच में प्यार बहुत ही ज़्यादा होता है और एक एग्जाम्पल की तरह होते हैं लोगों के साथ। ये एक अद्भुत जोड़ी होती है, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा हमेशा इन पे बनी रहती है। नंबर टू है ए और पी की जोड़ी। ए और पी की जोड़ी भी बहुत ही शानदार होती है, क्योंकि ए जो कि दिल के बहुत साफ होते हैं और बहुत ही इनोसेंट होते हैं। वही बात करें हम पी नेचर वालों की, तो पी नेचर वाले लोग थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, बट हमेशा सच के सपोर्ट में रहते हैं। इन दोनों के बीच में प्यार बेशुमार होता है, इसीलिए तो कभी कभी अनबन भी बहुत ज़्यादा होती है। ए नेम वाले कभी प्रॉमिस तोड़ते नहीं और पी नेम वाले जल्दी प्रॉमिस करते नहीं। जी हाँ, और प्रॉमिस करेंगे तो निभाएंगे ज़रूर। इनकी जोड़ी बहुत ही बैलेंसिंग होती है, और एक स्वीट कपल की तरह, जिसमें नॉटीनेस भी होती है, यानी कि थोड़ी सी लड़ाई और बहुत सारा प्यार। नेक्स्ट है डी और बी की जोड़ी। डी डेयर और बी काफ़ी खुशमिजाज स्माइली होते हैं। बी नेम वाले वैसे तो दिल जीतने में A1 होते हैं, वो हमेशा जल्दी दिल जीत लेते हैं। डी नेम वाले थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ये दोस्ती जल्दी नहीं करते। पर डी और बी के बीच की बात करें तो ये लाइफ टाइम एक दूसरे को जो प्रॉमिस करते हैं निभाते ज़रूर हैं। प्यार में बहुत ज़्यादा होता है, फाइटिंग काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है ए और आर कपल। ये कपल काफ़ी लकी होते हैं, क्योंकि किस्मत से मिले होते हैं। इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और प्यार बहुत ज़्यादा होता है। ए नेम वाले थोड़े शाई नेचर के, तो आर बिल्कुल ही बिंदास, पर दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन लव वाला बहुत ही प्यारा होता है। ये एक दूसरे पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं, शक बिल्कुल भी नहीं करते, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ए और आर के बीच में सबसे खास बात है वो है इनकी लॉयल्टी। इनकी लॉयल्टी मरते दम तक रहती है। इन्होंने अपने प्यार से वादा कर दिया तो बस कर दिया। नेक्स्ट है ए और एस की जोड़ी। ए और एस की जोड़ी भी काफ़ी बैलेंसिंग होती है। एस नेम वाले जहाँ बहुत ही छुपे रुस्तम होते हैं, जी हाँ, बट ए नेम वाले ओपनली, यानी कि वो अपना प्यार खुलेआम इजहार करते हैं। कभी कभी वो शर्माते भी हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, दिखाएंगे नहीं ज़्यादा, प्यार बहुत करते हैं। एस नेम वाले काफ़ी लकी हैं ए नेम वाले को पाकर। ए और एस की जोड़ी काफ़ी लकी होती है। नेक्स्ट जोड़ी है पी और आर। पी और आर में बहुत सारा है प्यार, जी हाँ, प्यार बहुत ज़्यादा होता है, बट हाँ, इनके बीच में शो ऑफ कम होता है। ये और कपल से थोड़ा सा अलग रहते हैं, इनका प्यार दुनिया से छुप के रहता है, ये दिखावा करने में बिलीव नहीं करते। लास्ट पर सबसे ऑसम एन और एस की जोड़ी। एन और एस की जोड़ी की बात करें तो एन नाम वाले काफ़ी नॉटी होते हैं, तो एस नाम वाले ज़्यादा मजाकिया नहीं होते, बट इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। एन और एस की बात करें तो एन नाम वाले थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, बट एस नाम वाले मनाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो आप बताइए, आपके कपल में कौन ज़्यादा रूठता है और कौन ज़्यादा मनाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अपना ढेर सारा प्यार हमें दीजिए, एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।